इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कंपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर केस स्टडी भी बन सकता है। देखो प्राइवेट कंपनी मतलब क्या, मतलब एक ऐसा कंपनी विच इज हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, अभी तक कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया है। बाय इट्स आर्टिकल एक प्राइवेट कंपनी क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, राइट, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, बिकॉज ओपीसी भी तो प्राइवेट कंपनी है ना, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, राइट, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, मतलब एक प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। अभी ध्यान दो, जब हम इस मेंबर की गिनती करेंगे, जब हम इस मेंबर की गिनती करेंगे, हमें कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना है, राइट, हमें कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना है। ध्यान से सुनना, बहुत बार कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देती है, राइट, बहुत बार कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर देती है, तो एम्प्लॉइज के पास जो शेयर है ना, वो 200 नंबर ऑफ मेंबर्स की गिनती में नहीं गिने जाएंगे। मतलब मेंबर जो शेयर होल्डिंग है हमारे एम्प्लॉइज की विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द लिमिट ऑफ 200। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारा एम्प्लॉय था, जब वो एम्प्लॉय था तब हमने उनको शेयर अलॉट किए थे, फिर वो कंपनी को छोड़ के रिजाइन करके कहीं और चला गया, बट अभी भी कंपनी के शेयर होल्ड कर रहा है, उसको भी हम ये 200 की गिनती में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? बहुत बार क्या होता है ना, हम शेयर ज्वाइंट नेम में खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं? ज्वाइंट नेम में, जहां पे फर्स्ट होल्डर और सेकंड होल्डर, इस तरह से दो होल्डर के नाम लिखे रहते हैं। तो यहां पे फर्स्ट होल्डर है मिस्टर ए, उनका ज्वाइंट होल्डर है मिस ए, ठीक है ना। बोला कि ये दो मेंबर्स नहीं माने जाएंगे, क्या माना जाएगा? एक। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट? तो ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स विल बी कंसिडर्ड एज वन मेंबर। ध्यान से सुन लो, ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ शेयर विल बी कंसिडर्ड एज वन मेंबर। एम्प्लॉइज होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉइज होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द लिमिट ऑफ 200। एन एम्प्लॉई रिसीव द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ही लेफ्ट द कंपनी, क्या बोलेंगे? एक्स एम्प्लॉय। क्या बोलेंगे? एक्स एम्प्लॉई होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, बट द शेयर्स वर एक्वायर्ड व्हेन ही वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी विल नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस लिमिट ऑफ 200। अभी मेरा एक क्वेश्चन सुनो, समझो मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एम्प्लॉई था, मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था, मैंने वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ने के बाद मैंने उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे, समझ में आया? आई वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंने रिजाइन कर दिया, कंपनी छोड़ दी, अभी मैं कौन हूं? एक्स एम्प्लॉई, अभी मैं एम्प्लॉई नहीं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे, राइट, फिर मैंने उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे, क्या ये मेरे जो शेयर्स है, मैं जो मेंबर हूं, 200 की गिनती में गिना जाऊंगा? विल आई बी कंसिडर्ड इन द काउंट ऑफ 200 एम्प्लॉइज, यस और नो? क्यों यस? वेरी गुड, बिकॉज एग्जेम्पशन किसको है? जब मैं एम्प्लॉयमेंट में था तब मेरे को शेयर्स मिले थे, राइट, तब मैंने वो शेयर्स खरीदे थे, फिर मैंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया और अभी भी वो शेयर्स होल्ड कर रहा हूं, तब एक्सेम्पशन है। बट अगर नौकरी छोड़ने के बाद शेयर खरीदता हूं ना, तब ये 200 का एक्सेप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस? सो देखो, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर इट शेयर, मतलब एक पब्लिक कंपनी में शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट एक प्राइवेट कंपनी ने कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल्स द कंपनी मे रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 200। अभी ध्यान दो, वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन अ कंपनी ज्वाइंटली,
दे शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, मतलब ज्वाइंट होल्डर्स है राइट, दो जन मिलके शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उनको एक ही मेंबर माना जाएगा. पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी राइट, पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी मतलब एम्प्लॉई शेयर होल्डर, क्या एम्प्लॉई शेयर होल्डर. पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर्स, पर्सन हु हैविंग फॉर्मली, फॉर्मली मतलब बिफोर इन एम्प्लॉय, बिफोर दे वर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट में थे तब उनके पास ये शेयर्स थे. एंड हैविंग कंटिन्यूड टू बी मेंबर आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीजेस, मतलब अभी भी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी अपने शेयर्स बेचे नहीं है. शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स राइट, शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स. इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, क्लियर है, मतलब वो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन नहीं उठा सकता है. तो बस समराइजेशन पॉइंट, मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल कोई अभी बताया नहीं है, लिमिट मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए दो, ओपीसी होने से कितना एक, मैक्सिमम नंबर्स कितना 200, प्रेजेंट एम्प्लॉइज कम मेंबर्स एंड अल्सवाइल एम्प्लॉई मेंबर को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन फ्रॉम पब्लिक. एंड देन स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या है प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी. एब्सोल्यूटली क्लियर अबाउट दिस ना, मेंबर है बट जो 200 का लिमिट है उसमें एम्प्लॉई शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉई शेयर होल्डर जिन्होंने काम छोड़ दिया है बट फिर भी शेयर होल्ड कर रहे हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे वाइल वी आर कंप्यूटिंग दिस थ्रेशोल्ड ऑफ 200. ठीक है, लेट्स कीप इट टिल योर नेक्स्ट सेशन में फिर आगे बात करेंगे.